हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने हर एक नेटवर्क से आता हूँ, आज देखा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टैंक भी रेडी है, टैंक भी रेडी है। मैंने पानी डालकर उसको चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एसेसरीज भी खरीद लिया, देख सकते हैं यहाँ पर नए टैंक सेटअप करने के लिए मैंने लाइट भी ले लिया है और एसेसरीज, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है सिर्फ ब्लू यूज़ करूँगा। तो मेरा इसमें मेन टॉपिक ये है कि यहाँ पर मैंने जो 20 kg यहाँ पर जो सैंड लिया है, सॉरी रॉक्स लिया है, इसको लावा रॉक्स भी बोलते हैं, ये रॉक्स मैं लेकर आया हूँ 20 kg, जो 50 rupees किलो में है, मतलब 1000 rupees का लेके आया हूँ। और मैं सिटलेट्स टैंक सेटअप करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सिटलेट टैंक बहुत जल्दी बनाऊँगा, इमोशनल टैंक, तो सिटलेट टैंक बनाने जा रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो का टॉपिक ये है कि इसको किस तरह यूज़ करें। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह के रॉक्स होते हैं जो सिटलेट टैंक के लिए यूज़ होता है। तो मैं इस टॉपिक में बताऊं कि देखिए यहाँ पर बहुत डर्टी होता है, तो आप डायरेक्ट इसको टैंक में डालें, तो डायरेक्ट आप इसको टैंक में नहीं डाल सकते, क्योंकि टैंक में डालेंगे तो पानी भी ख़राब होगा, इससे बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको तो किस तरह क्लीन करना है मैं उसको दिखाऊँ, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट डालेंगे तो फिशेस को प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी फिशेस मर सकते हैं। इसका प्रोसेस है, इसको किस तरह क्लीन करना है तो मैं बताऊंगा। तो टोटल 20 किलो है जो 1000 rupees में मैंने ख़रीदा है। तो चलिए आज इसमें बताता हूँ किस तरह इसको क्लीन करना है, बाद में आगे मैं बताऊँगा किस तरह टैंक सेटअप करना है। तो इस तरह पहले इसको निकाल कर अच्छी तरह से धो ले, देखें किस तरह मैं फोर्स से पानी डाल रहा हूँ पाइप की मदद से, इस तरह फोर्स से डालना है, क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी होती है उसको बाहर निकलेगी। अभी 20 किलो में जो रॉक्स लेकर आए उसके अंदर कम से कम आपको 2-3 किलो मिट्टी इसके अंदर से निकलेगी, तो उसको किसी भी तरह से आपको बाहर निकालना है। ठंडे पानी से पहले 1 से 4 बार अच्छी तरह से, 4 बार अच्छी तरह से वॉश करें, उसके बाद में गर्म पानी में आप चाहे तो उसको थोड़ा उबाल सकते हैं। उबालने से थोड़ा क्या होगा, पानी में अंदर बॉयल कर सकते हैं, 10-15 मिनट बॉईल करने से होगा जो अंदर इन हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो मरेगा, वरना क्या होगा आप वरना एक तरह तरीका क्या है, आप गर्म पानी में इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें। इस तरह आप जितना ज़्यादा धोते हैं इसको पानी में 4-5 बार, इस तरह इसका अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी होती है इसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो क्लीन हो जाएगा। अगर इसी तरह से आप डायरेक्ट डाल देंगे तो इसे क्या होगा, पानी जो है बहुत गंदा हो जाएगा, आपका टैंक सब सारा सेटअप ख़राब हो सकता है। तो किसी चीज़ की मदद से आप इसको अच्छा क्लीन करना है, जितना चाहे उतना क्लीन करें, 1 से 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितना भी आप इसको क्लीन करने के लिए कोशिश करें बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अभी जो रेड कलर का हो रहा है, अगर ये पाक हो जाएगा तो ये वाइट कलर आ जाएगा, इसके अंदर एक शाइनिंग आएगी जो अक्वेरियम में बहुत अच्छी लगेगी, विदाउट शाइनिंग जो है फतर ख़राब लगेगा। इसलिए अच्छा है कि आप इसको बार बार धोएं, 6-7 बार धोएं, गर्म पानी में इसको बॉईल करने की कोशिश करें। बॉईल नहीं कर सकते तो गर्म पानी से इसको अच्छा धोएं, यहाँ तक कि इसके अंदर की पूरी मिट्टी निकल जाए और एक साफ हो जाए। तो देखिए, एक बार मैंने इसको साफ कर दिया है, गर्म पानी में डाला है, गर्म पानी है, तो इस तरह और दोबारा मैं क्लीन करूंगा। इस तरह 3 से 4 मरतबा आप देखिए, यहाँ पर तकरीबन 2 किलो जो है इसके अंदर जो मिट्टी निकली हुई है जिसके अंदर फंसी रहती है, 2 किलो से ज़्यादा अभी यहाँ पर निकली हुई है। इस तरह आपको अच्छा जितना अंदर से जितने भी यहाँ पर देखिए, और एक बार 2-3 बार धोना पड़ेगा, 2-3 बार धोकर इसको अच्छा तरह क्लीन कर ले, जब तक कि सेटिस्फाई ना हो जाए कि इसके अंदर मिट्टी ना हो। और लास्ट में क्या करना है, इसको पानी में बॉईल करना है, हाँ पानी में डालकर इसको बॉईल करना है, अच्छा सा बॉईल करेंगे तो इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं जो फिशेस को हार्म करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसको बॉईल करके 3 से 4 मरतबा इस तरह इसको बॉईल क्लीन कर ले, उसके बाद में बॉईल कर ले एक बार, तो इस तरह 4 मरतबा प्रोसेस करेंगे तो ये सेफ़ हो जाएगा, आप फिशेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले इस्तेमाल मत करें वरना फिशेस को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तरीका है आपको यूज़ करने का, क्लीन करके आप इस्तेमाल करने का। तो चलिए दोबारा और एक बार मैं इसको धो लेता हूँ। तो और एक बार इसको मैं धो लेता हूँ, इसे 3 से 4 बार धोने के बाद 4थी बार को आप बॉईल कर लें, पानी ऑन कर देना था। देखिए मैंने अच्छा तरीके से धोया है, फिर भी
इसमें अभी भी मिट्टी बाकी है, इसलिए आपको 3 से 4 मरतबा धोना पड़ेगा, उसमें फिशेज़ को प्रॉब्लम हो सकती है और आपके फिशेज भी मर सकते हैं और डेकोरेशन जो आपका होता है वो भी ख़राब हो सकता है। इस तरह 3 से 4 मरतबा धोने के बाद एक मरतबा पानी में बॉयल कर लें, ये सेफ हो जाएगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह क्लीन करने का तरीका होता है, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, सर आप बार बार क्लीन करें। आपको शायद पहली बार जब क्लीन करते हैं तो आपको बेजार भी हो सकता है, लेकिन आप एक टाइम आपको जो है बोरिंग लगेगा, थोड़ा गलत लगेगा, थोड़ा दिक्कत उठानी पड़ेगी, लेकिन बार बार की बात नहीं है, एक ही बार की है। आप एक ही बार क्लीन करेंगे, बार बार इसको क्लीन नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक बार जब क्लीन करें तो अच्छे से क्लीन करें, जब तक कि इसके अंदर वाइटनेस ना आ जाए, जब तक इसके अंदर एक शाइनिंग ना आ जाए। और इसी तरह 4 से 5 बार अभी गर्म पानी 2-3 बार मैं क्लीन करूँगा, तो ये प्रोसेस होता है। इस तरह का प्रोसेस करके आप बाद में टैंक के अंदर डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सरकाल, गुड बाय।